हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ स्पेशल केस पढ़ रहे थे। हम पहले में हमने पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म हो सेपरेबल हो उस कंडीशन में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस कंडीशन में उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली होगी वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, बाद में हम सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर पे पहुंचेंगे। और पहले हम जब फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस हो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमें देखना है। तो फिर सर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस फॉर्म में होगी। या हम ये कहें कि इस एफ एक्स वाई को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई होगा वो इस फॉर्म में होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स, फिर एफ वन एक्स वाई एंड एफ टू एक्स वाई। यानी जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, बट ऐसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है उनकी जो फॉर्म होगी वो इस तरह की होगी। और इस तरह में फंक्शन जो फंक्शन होगा एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स, ये किस तरह का फंक्शन होगा, ये फ्रेंड्स इस तरह का फंक्शन होगा कि जो एफ वन एक्स वाई बेसिकली फंक्शन होगा ए टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाई प्लस डॉट 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 ए एन वाई टू दी पावर एन। यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो पावर है, जैसे यहाँ पे पावर एन है एक्स की, तो यहाँ पे टोटल सम जो पावर है वाई की जो पावर है वो जीरो मान सकते हैं, तो टोटल पावर जो है वो एन आई। यहाँ पे अगर देखते तो एन माइनस वन एंड वन, तो यहाँ सभी की जो पावर होगा जो सम होगा वो एन होगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे उसको वो nth ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे फंक्शन f जो है वो भी n ऑर्डर का होगा और फंक्शन f2 भी सेम इसी तरह का होगा, यानी वो भी n ऑर्डर का होगा। अब ये दोनों फंक्शन n ऑर्डर के होंगे तो फ्रेंड्स इस तरह की फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। एफ वन एक्स वाई को सपोज यहाँ पे हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई टू दी पावर एन कॉमन ले लेते हैं, y टू की पावर n को मान लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a जीरो ये हो जाएगा x x अपॉन y टू की पावर n प्लस a वन ये हो जाएगा x अपॉन y टू की पावर n माइनस वन, क्योंकि एक y से y कट जाएगा और y टू की पावर n माइनस वन नीचे आ जाएगा प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा a n और कॉन्स्टेंट इधर ये हो गया। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो होमोजीनियस होंगी उनको वाई एन और इसको दे दिया हमने दूसरा फंक्शन फाई वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फिर इस फॉर्म में लिखने के बाद सिंपली हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, लेट वाई अपॉन एक्स बराबर वी, वाई अपॉन एक्स बराबर वी एज्यूम करते हैं। और चूंकि वाई अपॉन एन यहां से भी कॉमन लिया है हमने और यहां से भी कॉमन लेंगे हम, तो वाई अपॉन एन जो कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो वो हमारे पास चेंज होकर आ जाएगी जब हम n टू की पावर n कॉमन लेंगे, तो उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फाई एक फंक्शन होगा वाई अपॉन एन, इसको फंक्शन फाई वन दे दो उसको करस्पॉन्डिंग और एफ टू के करस्पॉन्डिंग एफ टू वाई अपॉन एन, चूंकि वाई अपॉन एन यहां से भी कॉमन लिया है हमने और ये तो बेसिक ये फॉर्म आएगी, बट वाई अपॉन एन से वाई अपॉन एन कट जाएगा, तो बेसिक लास्ट फॉर्म जो आएगी हमारे पास ये फाई वन वाई टू सॉरी फाई वन y upon n का फंक्शन phi 2 y upon x sorry x है ये y upon x का फंक्शन ये x का फंक्शन ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए y upon x को v मान लेते हैं, y upon x बराबर v मान लेते हैं, तो यहां से y बराबर x v तो अगर यहां से हम dy देखें तो dy upon डी एक्स निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले x को छोड़ा इसका क्या, तो डी वी अपॉन डी एक्स
प्लस इस बार एक्स को वी को छोड़ा और डी एक्स का एक्स का क्या तो ओपन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस फॉर्म के बाद दिया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स की जगह एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइव वन वी अपॉन फाइव टू वी, ये हो गया। अब v को उस साइड में ले जाएंगे तो यहां पे माइनस v हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास x dv अपॉन dx इक्वल टू फाइव वन वी फाइव टू वी माइनस v, या एलसीएम लेंगे तो फाइव टू वी एलसीएम आ जाएगा, यानी माइनस v फाइव टू वी और फाइव टू वी नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अब फिर dv, अब इस टर्म को इधर ले जाते हैं, इसको फाइव टू वी वाले टर्म को पूरे इधर ले जाते हैं और x और dx को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जिसकी फाइनल फॉर्म आएगी सॉल्व करने के लिए, वो आएगी हमारे पास फाइव टू वी अपॉन फाइव वन वी माइनस वी फाइव टू वी dv इक्वल टू वन अपॉन x ऑफ dx। तो ये हमारे पास ये सिंपली सेपरेट ही हो गया, ये b का फंक्शन हो गया और ये x का फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम इसको भी कह सकते हैं कि ये ऐसी क्वेश्चन है जिनको हम सेपरेट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने सेपरेट फॉर्म में चेंज करने के बाद इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे और उसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको और किस तरह से मोर एक्सप्लेन के लिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से। हेंस जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कई बार रिपीट होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ही मैं लेता हूँ जो कि यूनिवर्सिटीज में रिपीट होते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो। ये फिर से एक एग्जांपल है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टर्म को उधर ले जाना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और डी वाई। तो फिर से इसको पहले देख लेते हैं कि होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर देखे तो थ्री है, यहाँ पर पावर देखे दोनों पावर सम थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे भी थ्री है, तो ये होमोजीनियस पावर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ थ्री ऑर्डर की, जिसकी पावर जो है थ्री है, ये हो गए हमारे पास। अब फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने के लिए डी वाई को वहीं छोड़ेंगे और जो डी एक्स है उसको इधर डिवाइड कर देंगे और इस टर्म का इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एन पावर है वो जो टोटल पावर है वो थ्री है, तो यहां से y की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y की पावर 3 कॉमन लेंगे तो y टू की पावर 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और माइनस टू एक्स अपॉन y, ये हो गया। और इधर से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यू अपॉन y क्यू, यहाँ पे y 3 कॉमन लिया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स वाई क्यूब से तो वाई क्यूब कट जाएगा, ये कट गया। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमने कहा था कि वाई अपॉन एक्स बराबर बी मान लो, सॉरी एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, y अपॉन x नहीं लेना, हमें
एक्स कॉमन लेना है, तो ये एक्स अगर कॉमन ले तो एक्स क्यूब कॉमन लेना है हमें, तो एक्स क्यूब कॉमन लेने पे यहाँ पे जो लेना है एक्स क्यूब कॉमन लेना है, जैसे कि वाई अपॉन एक्स की टर्म बने, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो टू वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लिया है हमने तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो क्योंकि एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब से कट जाएगा, ये वन माइनस थ्री वाई अपॉन एक्स ये आ गया। अब हमने वाई एक्स वाई अपॉन एक्स जगह बी मान लिया, वाई अपॉन एक्स बराबर बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई बराबर बी एक्स, यहां से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स जो कि हमने पहले बताया था, ये हो गया हमारे पास। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट यहां कर देते हैं हम वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास v माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस थ्री वी। तो फिर हम जो जनरल फॉर्म में ले रहे थे वहां पे भी हमने y क्यूब कॉमन लेके बताया था, बेसिकली वहां पे हम x क्यूब कॉमन लेंगे, सॉरी x टू द पावर n कॉमन लेंगे, जो जनरल फॉर्म में बताया था इससे पहले, ये हो गया हमारे पास। अब अगर v को हम उधर ले जाए तो यहां से अगर हम v को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस थ्री वी माइनस वी, तो वन माइनस थ्री वी इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस टू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस थ्री वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस थ्री वी, तो ये हो गया हमारे पास v से v कट जाएगा और थ्री वी स्क्वायर और टू वी स्क्वायर से ओनली वी स्क्वायर बच गए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस थ्री वी, ये हो गया। अब हमें x की वाली टर्म को एक साथ ले जाना है, v वाली टर्म को एक साथ ले जाना है क्योंकि इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए यहां से हम इसको वी वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो वन माइनस थ्री बी अपॉन वी स्क्वायर डी बी इक्वल टू यहां से अगर देखें तो डी एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया। अब फिर यहां से हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वी ऑफ डी बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर दे तो वन अपॉन बी स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन आएगा, माइनस वन अपॉन बी माइनस थ्री लॉग बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब वी की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास वाई अपॉन एक्स, तो ये हो गया हमारे पास वाई अपॉन एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस थ्री लॉग y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो बस ये इसका हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल में हम और भी कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि अदर फॉर्म के होंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, वहां से जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। Thank you, friends.